हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो यहाँ का मतलब कि अभी मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता, चाय और परोठा। काम करते करते सारी चीज़ें हम बनाते हैं, खाना बनाते हैं, सारी उसके साथ साथ सारी चीज़ें समेटते आते हैं तो हमारे काम कितने इजी हो जाते हैं। तो यहाँ का सुबह का नाश्ता बन रहा है, साथ साथ में सारी चीज़ें भी मैं समेटती आ रही हूँ। और मैं और अनिल हम दोनों कर लेंगे चाय के साथ, मतलब कि परोठा और चाय खा लेंगे। और सुबह मिनिमम रोटी परोठा ये सब ही होता है। और उसके बाद मैं करूँगी सारे घर के काम स्टार्ट। तो यहाँ का बस काम किचन का ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो सारी सफाइयाँ हैं वो मैं स्टार्ट कर दूँगी। तो मैं पहले स्टार्टिंग बाहर से कर रही हूँ क्योंकि बाहर जल्दी धूप आ जाती है, गर्मी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर बाहर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर के अंदर काम करना होता है तो ऐसे होता है, पंखा स्टार्ट होता है तो इतनी गर्मी नहीं लगती और घर के अंदर छाँव रहती है, धूप नहीं रहती, तो इसकी वजह से हम आसानी से घर के अंदर काम कर सकते हैं। और बस कुछ ऐसा ही है काम रोज़ का, जो सुबह उठते हैं बस वही रूटीन स्टार्ट हो जाता है, घर के काम करना, घर की सफाई करना, डस्टिंग करना, खाना बनाना, टिफ़िन बनाना, इनको ऑफिस भेजना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, बस इतने में ही हमारी लाइफ रह जाती है। इसके बीच में कभी कभार ही हम अपने लिए टाइम निकालते हैं बस, नहीं तो घर के काम में ही हमारी ऐसी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। वैसे कैसी हमारी लाइफ होती है? लाइफ हमारी होती है लेकिन हम जीते किसी और सभी के लिए हैं, मतलब कि हमारी फैमिली मेंबर के लिए जीते हैं। हम चाहे तो सुबह लेट तक सो सकते हैं लेकिन हमको यही फिक्र रहती है कि नहीं जल्दी उठना है, टिफ़िन बनाना है, अगर बच्चे हैं तो बच्चों का भी स्कूल भेजना है, उनका भी ज़िंदगी का सवाल होता है। अभी से ही हम बच्चों को ध्यान नहीं देते तो फिर उनका भविष्य भी ख़राब हो सकता है, पढ़ाई नहीं होगी तो फिर वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। और अगर हम जल्दी नहीं उठेंगे तो इनका टिफ़िन नहीं बनाएंगे तो वो भी कैसे पूरा दिन निकाल पाएंगे। तो हमारी कुछ ज़िंदगी ऐसी होती है कि हमारी ज़िंदगी होती है लेकिन हम जीते सब भी अपनी फैमिली मेम्बर के लिए हैं और फैमिली वालों में ही हमारी सबकी जान बसी होती है। क्या आप भी ऐसा मानती हो? अब मैं सीधा घर की सफाइयाँ स्टार्ट कर दूँगी। पहले तो मैं घर की पूरी सेटिंग कर लूँगी, मतलब कि हम रोज़ जो चीज़ जहाँ रखते हैं वहाँ हमको मिलती नहीं, घर पूरा ऐसे बिखर जाता है कि हर एक चीज़ को हर रोज़ उसकी जगह पे रखना पड़ता है। मेरे घर का कुछ ऐसा ही हाल होता है।
जो चीज़ जहाँ होती है वहाँ ना हो तो ऐसा हो कि क्या करें, जल्दी से सारी चीज़ें सेट कर दें, इधर उधर चीज़ें पड़ी रहती हैं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। पूरे घर को नीट एंड क्लीन रखना ही मुझे अच्छा लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर वक्त अपने घर को ऐसे ही सेट रखूं और नीट एंड क्लीन रखूं। तो बस यही कोशिश में पूरा दिन निकल जाता है कि अपने घर को सेट करके रखें। तो कुछ सुबह सुबह का टाइम ऐसा हमारा जाता है और काम करना मानो गर्मियों में टास्क की तरह हो जाता है। और मेरा मेडिकल इशू चल रहा था, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैं काम करने में बहुत मुझे प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती, अपने आप को ही मोटिवेट करती हूँ, मन में ऐसे बोलती हूँ नहीं तुम कर सकते हो, तुम कर सकती हो, बस थोड़ा सा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। हर एक दिन सेम नहीं होता, ज़िंदगी में अभी तकलीफ़ें हैं, दो दिन रह के वो तकलीफ़ें भी दूर हो जाएंगी। जैसे हमारी ज़िंदगी में धूप, जैसे दिन में धूप छा होता है वैसे ही हमारी ज़िंदगी होती है। और फिर उसके बाद थोड़ी मैं बैठी, थोड़ा अपने आप को मोटिवेट किया। सच में घर के काम करने में भी मुझे टास्क लग रहे हैं, पहले मैं इतने काम कर लेती थी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन जब से मेरे मेडिकल इशू चल रहे थे उसके बाद तो मानो मेरी बॉडी मेरी रही ही नहीं है। मैं एक एक काम करती हूँ और बीच में ब्रेक लेती हूँ, और ऐसे मेरे घर के काम होते हैं। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ और फिर उसके बाद की जो सफाइयाँ हैं वो मैं शूट नहीं करूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि ये व्लॉग मैं थोड़ा छोटा ही बनाऊँ, क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो जाता है तो सब बोलते हैं कि आपके व्लॉग इतने लंबे हैं और हम पूरा नहीं देख पाते। तो मैं कोशिश करूँगी मैं छोटा व्लॉग बनाऊँ। और यहाँ पर भी हमारी सफाई हो गई है किचन की डन, और उसके बाद मैं ये ग्लूकोन डी नहीं ग्लूकोज सी है, मैं जो विटामिन होता है ये विटामिन सी का ग्लूकोज है वो मैं पी रही हूँ। तो ऐसे भी गर्मियों में हमको चीज़ें पीनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी रहे, और विटामिन सी हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, हमारी स्किन भी बहुत ग्लोइंग रहती है। और मैं मटके का ही पानी इस्तेमाल कर रही हूँ, फ्रिज का पानी नहीं पी रही, क्योंकि मुझे टॉन्सिल प्रॉब्लम है और पता नहीं लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं कि पूछो मत। तो वहाँ पे मैं बैठ के आराम से ये पिया, उसके बाद मैं बस नहा धो के फ्रेश हो के घर के सारी सफाइयाँ करके ये ऑर्डर के कपड़े हैं वो मैं कर रही हूँ। और दोपहर के शायद 12 बज गए हैं और मैं ये ऑर्डर के कपड़े कर रही हूँ। मेरी सुबह ही मैंने अपना खाना बना लिया था, तो मेरा दोपहर का खाना ऑलमोस्ट सुबह बन जाता है, बस जब अनिल टिफ़िन नहीं ले जाते तब ही मेरा खाना दोपहर को मुझे बनाना पड़ता है, नहीं तो मेरा खाना सुबह ही मैं बना देती हूँ। तो मुझे दोपहर को इतना टेंशन नहीं होता कि किचन में काम करना है, अगर टिफ़िन रहता है तो मेरा किचन में काम सुबह और शाम को ही रहता है, दोपहर को कोई काम नहीं रहता, बस दोपहर को खाना गर्म करके खाना होता है तो वही काम रहता है और शाम की चाय रहती है, उसके अलावा मेरा कोई काम नहीं रहता फिर। और मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी सारे काम करके फिर मैं सिलाई करने बैठ जाऊँ, तो मुझे सिलाई करना बहुत अच्छा लगता है। लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लमें चल रही होती हैं, मेरा माइंड कितना भी सटकेला होता है, तो मैं ऐसे सिलाई करने बैठती हूँ ना तो मेरा माइंड एकदम ऐसे रिलैक्स हो जाता है। सिलाई एक आप जैसे मेडिटेशन करते हो उसकी तरह ही है, क्योंकि हमको सिलाई में इतना एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है और आप किसी और जगह पे अपना माइंड नहीं डाल सकते, सोच नहीं डाल सकते, बस सिलाई पे ही आपको ध्यान देना पड़ता है। तो आपके माइंड के जो भी प्रॉब्लम होती हैं वो सारी साइड रह जाती हैं और अपने काम पे ही आप ध्यान देते हो तो आपका माइंड भी एकदम सेट हो जाता है। तो मैं सिलाई करती हूँ तो मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता है और ये मेडिटेशन की तरह मेरी ज़िंदगी में काम करती है सिलाई, और मेरे सारे काम मेरे ज़िंदगी में मेडिटेशन की तरह ही काम करते हैं,
हैं, क्योंकि मैं काम पे जब ध्यान देती हूँ तो सारी चीज़ें मैं साइड में रख के सिर्फ काम के बारे में ही सोचती हूँ। तो कुछ ऐसा है। और आई होप आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भी बातें बहुत सारी शेयर करने के लिए हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलो मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। अपना अपना ध्यान रखना और हमेशा ज़िंदगी में खुश रहना, और कभी भी ज़िंदगी से हारना मत, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो। और मेरी भी लाइफ में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, लेकिन ठीक है, लड़ लेंगे। और चलो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।